सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत प्यार थोड़ा मिल रहा है, बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन तो पसंद आ रही है। थोड़े कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ ना, एक एक कमेंट आप पढ़ते हैं, तो थोड़ा रिस्पॉन्स बहुत वधिया आ रहा है, थोड़ा वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सही लग रही है। थैंक यू वेरी मच उद्दे वास्ते। बाकी स्टूडेंट्स वास्ते आ वीडियो मैं स्पेशली बना रहा, स्टूडेंट वीज़ा, इनू स्टडी वीज़ा भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की गल करेंगे, काफ़ी डिमांड आ रही है, काफ़ी कन्फ्यूजन हैगा, इसे पूरा दूर करांगे आपां। की फीस लगती है, की डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, की रिक्वायरमेंट्स हैं स्टडी वीज़ा वास्ते। तो मैं कहांगा जे तुसीं बाहर सैटल होना है, थोड़ा फ्यूचर बाहर दी प्लानिंग हैगी है, दैन दिस इज़ द बेस्ट मैथड टू विजिट अबरॉड। क्योंकि जो स्टडी वीज़ा होंगे जी, उस बेसिकली देखते हैं भी थोड़ी एनरोलमेंट थोड़े पसंदीदा कोर्स विच, तो उन्होंने अकॉर्डिंग, एम्बेसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जोड़े रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ है जी गवर्नमेंट नाल एसोसिएटेड है, उन्होंने जो हो गया है वह एक मैं पूरा दसाँगा डिटेल, एक सर्टिफिकेशन एक नंबर मिलता है, एनरोलमेंट नंबर वो जे थोड़े को हैगा। बाकी थोड़ा रिकॉर्ड क्लीन है, फाइनैशली यू आर गुड, तो डेफिनेटली इनू कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो अच्छी गल इस हैगी है कि तुम इस इंडिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि इस वर्किंग आवर्स का भी परमिशन होंगे, लिमिटेड होंगे है, बट यू आर अलाउड टू डू वर्क पार्ट टाइम। पर यह गल जरूर समझ लो, आता ही अलाउड होंगे जब थोड़ा कोर्स शुरू हो जाता है। कोर्स शुरू तो पहला 90 दिन तुम आ जा सकते हो उधर, बट जिहड़ा वर्किंग वाले आवर्स है जिहड़ी लिमिट तुहानू मिली है 40 घंटे दे अप्रोक्सीमेटली होंदी है, वो वाली जिहड़ी हैगी लिमिट, वो जब तुहाडा कोर्स स्टार्ट हो जाना तो होनी, आ ध्यान रखना। बाकी 5 साल वास्ते वीज़ा लग जांदा जी। बाकी आ शुरुआत होंदी है, एक बूटा लगता, उस तो बाद तुसीं PR एंड देयर मैनी स्टैप्स, वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, फिर PR मिल जाती है, बट आ जिहड़ी चीज़ है बहुत एडवांटेजेस है। इस फायदा यह है कि ये बेसिस तुसीं डिपेंडेंट वीज़ा भी लै सकते हो, जे तुसीं मैरिड हैगे हो, तुहाडे बच्चे हैगे हो, वो भी तुहाडे नाल अगे जा सकते, पर वो आपां गल आपां नहीं करांगे। आपां इस टाइम आपां सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा की गल कर रहे हैं, की रिक्वायरमेंट है। सब क्लास 500 कहिंदे जी इहनूं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अकॉर्डिंग, तो की रिक्वायरमेंट है इस विच, वो सारा तुहानूं अज दसी जाएगी, क्लीयर कर दांगा जिवें आपां ट्रांसपेरेंट रहिंदे हां। जे साढ़े कोल एप्लीकेशन लगवानी है आपां भी लावांगे, एम्बेसी की जिहड़ी फीस है तुहाडे सामने भरी जाएगी, जो डॉलर आणगे जिन्ने डॉलर आएंगे मैं इसे करांगा, क्योंकि यह चेंज होंदे रहिंदे हैं, मैं तुम्हें दा, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, सारा कुछ चेंज होता रहता है। ऑन द स्पॉट जब तुम एप्लीकेशन भरा रहे हो, एवरीथिंग इज़ ओके, दैन वी आर गोइंग टू पे योर फीस, थोड़े सामने तुम्हें पे करनी है अपने डेबिट नाल, क्रेडिट नाल, जिहड़ा मर्जी सोर्स जिहड़े दे आर अलाइंग उहदे उपर तुम्हें करना है। उस तो बाद वीज़ा लगना, वीज़े तो बाद सानू देना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम है, ठीक है जी। बाकी जे तुसीं अपने आप लानी है तो वीडियो थोड़े वास्ते इन्फॉर्मेशन वाला है, तुसीं अपने आप भी ला सकते हो। आपां चाहते ही हैं, साडा मेन एम यही है कि आ सारी गुटबाजी टुटे, तुसीं इन्फॉर्मेशन लो तो अपने आप लाओ, कोई मुश्किल नहीं हैगा। नंबर 2, जे तुहानूं शक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स ते, वो साढ़े 2 चैक करा लो। डॉक्यूमेंट्स की फीस साड़ी बड़ी नॉमिनल जी है, तुसीं ईमेल करो doctoramrocks11@gmail.com ते, तुहानूं साडा व्हाट्सएप मेरा सारा कुछ कॉन्टैक्ट मिल जूगा। इतने मैं नहीं पा सकता अपना नंबर, क्योंकि अननेसैसरी कॉलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिन्होंने नहीं भी जाना, जिन्हें बस ऐं भाई हाँ भाई की है जी, वो ऐं वो चीज़ साढ़े कोल है नहीं, साढ़े कोल टाइम है नहीं फालतू का। जिहड़े सीरीयस लोग है वो ईमेल करेंगे, ईमेल पता लग जाता कि सीरीयस है किरा नहीं, फिर उसके आप कॉन्टैक्ट करीद, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अज का वीडियो, स्टूडेंट वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया, सब क्लास 500। मैडम सब तो पहले तो तुहाडा वीज़ा वास्ते तुहानू वैलिड पासपोर्ट चाहिए होंगे, ठीक है जी, जिहड़ा तुहाडा प्रूफ हैगा थोड़े कंट्री की सिटीजनशिप का, अपने इंडिया का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उस तो बाद तुसीं कोर्स लभना है जिहड़ा उधर दी एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया दी उहदे नाल रजिस्टर्ड है, उहनूं कहिंदे CRICOS। CRICOS दे विच जिहड़े जिहड़े भी, इहनूं फुल फॉर्म हैगी इहदी, कॉमनवेल्थ रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सिस फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स, इहदे नाल लिंक्ड कोर्स तुसीं लभना, कोई एवें जालसाजी वाला एवें कोई प्राइवेट या कॉलेज उस पंगा ना लेना। आ वाले जिहड़े हैगे जिन्हानू इस चीज़ की अप्रूवल है, द कोर्स शुड बी अकॉर्डिंग टू दीस CRICOS अप्रूव्ड,
ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਫੂਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ECOE ਦੇਣਗੇ ECOE ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ ਠੱਪਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਗੁੱਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਲਓਗੇ ਅਨਰੋਲ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਦੈਨ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਕੋਡ ਕੋਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਡ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰੋਲਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਫੀਸ ਭਰਤੀ ਹੈ ਅਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਅਤੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ GTE ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਹੈ 40 hours ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ 4 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਫੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਆਈਲੈਟਸ ਟੋਫਲ PT ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਂਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਫੋਰ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਬੈਂਡ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਆਈਲੈਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈਲ ਡੂ ਦੈਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਸਟ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਪਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਆਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੀਸ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਰੈਕਟ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰੂਫ ਆਫ ਯੂਅਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਫੀਸ ਭਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੰਬਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ GT ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਆਈਲੈਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਰਿਟਰਨ ਏਅਰਫੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਸੋਲਿਡ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੈ ਆਹ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ
क्वालिफिकेशन जी, तो आह वाला कोर्स मैं करना चाहता, तो आह वाले कोर्स की एप्लीकेबिलिटी अगे स्कोप की है, हाउ इट विल बी यूजफुल टू यू, एंड इन केस इट इज़ यूजफुल फॉर द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दैन दे लाइक इट, मतलब कुछ तुम इस तरह का कोर्स करते हो जरा उधर की गवर्नमेंट वास्ते उधर दे ऑस्ट्रेलिया वास्ते वधिया है, दैन दे इनकरेज यू टू फॉर दैट, तो आ भी तुम माइंड च रखो कि कोर्स किया जाए जो जी सर्विसिज तुम दोगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट न, तो उन्होंने भी फायदा होएगा एंड यू आर यूजफुल टू दैम, ठीक है जी। एक स्टेटमेंट ऑफ परपज बनती है, बाकी पासपोर्ट साइज 4 फोटो लगती हैं अकॉर्डिंग टू द जी उन्होंने होंगी रिक्वायरमेंट, वो जब तुम कॉन्टैक्ट करोगे, बाकी वैबसाइट पर भी इनफॉर्मेशन होंगी आप दस देंगे, ठीक है जी। आ सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, सारा मैं तुम्हें क्लीयर करता है, हूँ तुम्हें दसदे हैं फीस के बारे। इस विच फीस जी स्टूडेंट सब क्लास 500 की होंगी है जी, इन डॉलर दसागा मैं, इस तो अलावा एडिशनल खर्चे हो सकते हैं इन केस कोई थोड़ा स्पैशल, क्योंकि हरेक केस डिफरेंट होंगे जी, हरेक केस का अलग अलग है, बट मैं सिंपल बेस फीस दसदा 630 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लगते हैं स्टूडेंट वीजा वाले सब क्लास 500, ठीक है जी, आ बेस फीस है। इस तो अलावा होर कुछ एडिशनल जो खर्चा आ जाता है इन केस समथिंग कुछ है कोई जिमें मैं बेस फीस है, इन तुम मान लो भाई इन्ना लगना है नहीं होंगे, हूँ जिमें इंश्योरेंस करानी है इंश्योरेंस के अलग पैसे लगनगे, दैन तुम मैं तुम्हें बेस फीस दस रहा, बाकी आ सारा ट्रांसपेरेंट काम होता वैबसाइट के उपर आ जाता भी आ साड़ी फीस है तुम भरो वो तुम भरनी है, आ सारा करके आप जो तुम साढ़े तो कराओगे आप सारा कुछ भर देना फीस वाला काम तुम अपने सामने अपने आप करना, आप एट द एंड जब वीज़ा लग जाना तो अपनी फीस लेनी है, आवर फीस इज 25,000 सिंपल, कोई जड़ा मर्जी वीज़ा लो नो इशूज ओनली 25,000 आफ्टर द वीज़ा, बाकी जोड़ी भी एम्बेसी की फीस है हेल्थ चैकअप है जोड़ा थोड़ा ऑनलाइन दिखूगा थोड़े सामने स्क्रीन के उपर आएगा भी आ रिक्वायरमेंट तो मंग रहे हैं तो अपने आप भरना, ठीक है जी, वो नाल दी नाल लगेगा दैट इज़ मस्ट, ठीक है जी। तो हूँ आई थिंक आई हैव क्लीयर एवरीथिंग रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा, कोई मुश्किल नहीं है, इस मेन टर्निंग पॉइंट जोड़ा है फोकस वा थोड़े वास्ते, इफ यू आर इंट्रस्टिड टू गो अब्रॉड एंड तुम स्टूडेंट है आईलेट्स कटो, बिकॉज आईलेट्स इज द मेन थिंग विच दे वॉन्ट, बाकी सारा तो सारा कुछ आप साइंस पढ़े हैं साइंस का कोर्स करना आदि है एप्लीकेबिलिटी एवरीथिंग इज ओके एंड, बट इफ यू कॉन्ट स्पीक इंग्लिश यू कॉन्ट कन्वर्स इन इंग्लिश तो दे विल रिफ्यूज, आईलेट्स जरूर करो, आईलेट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई इस तरह का नहीं है हो जाता, तो किवें होना है की है वह भी आप सीरीज लावे वीडियो की अगे, सबसक्राइब कर लो लाइक करो शेयर करो, कोई भी कमेंट अपना क्वेरी आ रही है तुसी कमेंट बॉक्स लिखो, इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी मैं मिलना चाहते हो ईमेल मेरा एड्रेस हैगा डिस्क्रिप्शन विच उत्थे ईमेल पाओ, आई रेगुलरली चैक माई ईमेल्स ते दैन आई शेयर इफ यू आर इंट्रस्टिड दैन आई शेयर माई नंबर एंड वी कैन इफ अगर सारे डॉक्यूमेंट्स थोड़े रेडी है वी कैन अपलाई योर फाइल नो प्रॉब्लम्स, एंड जे तुसी अपने आप भरना चाहते हो दैट इज़ ऑलसो ओके, जस्ट तुहानू डॉक्यूमेंट्स कई बार हुंदा कॉन्फिडेंस नहीं आता तुसी साढ़े तो चेक करा सकते हो, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, बाकी कोई डरन की गल नहीं है, आ सारे मतलब जोड़े होंगे ना डराते हैं भाई आप नहीं आपे नहीं कर सकते फीस, मैं हरेक वीडियो चाहे बोलता यू आ बेसिकली ऑनलाइन क्यों बनया दिस इज़ फॉर यू यूर कन्विंस तुम्हें कितने जाना ना पे सब कुछ ऑनलाइन ऑन द स्पॉट तुम करो खुद, इनकेस यू हैव सम डिफिकल्टी यू कैन आस्क अस, ठीक है जी। बाकी जिन्होंने पता नहीं लग रहा होंगे भाई जिन्होंने समझ नहीं आती इस तरह के कागजी कार्रवाई में वो नहीं फसना चाहते दैन वी आर वेलकमिंग दैट ऑलसो, तुम आओ साढ़े को एंड वी वेलकम ऑल, ठीक है जी। वीडियो में लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करो तो ताकि इनफॉर्मेशन जेन्युइन इनफॉर्मेशन सब तक पहुँचे, ठीक है जी, थैंक यू।